नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एक कोरे कागज़ पर नाम लिखकर कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं सीधा आपको तरीका बता देता हूँ ताकि आप कम समय में इसको अच्छे से समझ जाओ। आपको एक पेपर लेना है सफ़ेद, और उस पेपर पर जिसको वश में करना चाहते हो आप, जैसे कोई लड़की है या कोई औरत है या कोई लड़का है, तो उसका नाम आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ सीता लिख रहा है, सीता प्लस उसकी माँ का नाम, माँ लिखना है इस तरीके से। अगर माँ का नाम नहीं पता, प्लस का साइन लगा के नीचे अगर माँ का नाम पता है तो माँ भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है बीच में। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद आपको अपना नाम लिखना है जो वशीकरण कर रहा है, प्लस माँ का नाम। जैसे यहाँ पवन लिख रहा है, प्लस माँ लिख रही है। इस तरीके से आपको लिख लेना है, और इसको लिखने के बाद पेपर को आपको फोल्ड कर देना है। सही से फोल्ड करने के बाद आपको कोई भी माचिस लेनी है, जलाने की वस्तु, किसी भी चीज़ से आप इसको जला सकते हो। इस तरीके से आपको जला देना है पेपर को। इतना करने के बाद जब पेपर जल जाएगा, जलने के बाद जब पेपर की जो राख होती है, पूरा ये पूरा राख हो जाएगा जलकर, तो इसकी राख को आपको उस इंसान को हल्की सी ऊपर डाल देनी है, जिससे आप फूंक मार दो उसके कपड़ों पर, कैसे भी उसके ऊपर हल्की सी डल जाए, वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, जैसे कहोगे वो सिर्फ वैसा करेगा। थोड़ी सी राख डालना थोड़ा सा आपको लगेगा मुश्किल है, पर अगर एक बार ये आपने कर दिया तो यकीन मानिए काम आपको उस इंसान को वश में करने से कोई नहीं रोक सकता। वो इंसान आपके वश में हो जाएगा और हमेशा आपकी बात भी मानेगा, जैसा कहोगे वैसा ही करेगा। तो दोस्तों इस उपाय को करिए, काफ़ी आसान उपाय है। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात होगी अगली नई वीडियो के साथ।